छत गिरने के हवाले से भी रकम मुख्तस की, दीवारें गिरने के हवाले से भी रकम मुख्तस की। यहाँ मेडिकल रिलीफ भी जारी है और इनका खाना कुक फूड इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं अपील करना चाहता हूँ इसी के ज़रिए, दुनिया से भी अपील कर रहा हूँ और पाकिस्तानियों से भी अपील कर रहा हूँ कि दिल खोल कर हमेशा की तरह, मुझे इतना भरोसा है इस कौम के ऊपर कि हमेशा की तरह वो इस बात का ख्याल कर ले कि ये जो बेचारे परेशान हुए हैं, इनका हुकूमत के साथ हाथ मिलाए, हुकूमत के साथ मिलकर इन सारे कामों को हम कर भी लेंगे, मगर अपील कर रहा हूँ कि वक्त के एतबार से ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं समझता हूँ कि हर फंड के अंदर रेड क्रेसेंट है जिसको फंड दिया जा सकता है, हुकूमत के अकाउंट्स हैं जिनको फंड दिया जा सकता है। आर्मी ने बेइंतहा काम किया, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि रिलीफ लोगों को उठाना इमरजेंसी में बेइंतहा कंट्रीब्यूशन आर्मी का हमेशा की तरह रहा है, और हुकूमत के सारे लोग हर सूबे के अंदर इस रिलीफ पर लगे हुए हैं, उनकी तो मैं तारीफ करता हूँ। मगर ये कुदरत का जो सैलाब है वो हमारी सारी तैयारियों के मुकाबले में ज़्यादा था, मगर ये नौशेरा के अंदर कम से कम ये अच्छी बात हुई कि जो बंद बनाया था उससे लोगों की बड़ी बचत हुई, और बंद के अंदर कहीं कहीं कुछ जगहों पर कोर्ट केसेस की वजह से वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो लिहाजा उससे जहां नुकसान हुआ तो अब मैं समझता हूं इसका जल्दी फैसला कर उस बंद को भी पुख्ता करें। तो आप सब के साथ अपील है कि दिल खोल कर एहतियात दें, जो सामान भेज दे सकते हैं वो सामान दें, और दुआओं में भी याद रखें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करें। वापस पुख्तान दुबीर बाला वाला देर कराना चाहता हूँ। अभी मैंने कुछ ड्रेस के चेक दे दिए जो हमारे शहीद हो गए, फैमिली को चेक दे दिए, बाकी जो सब मैं ये सुन गया। देखिए आप बेफिक्र रहे, जो गवर्नमेंट के पास आपके लिए जितना भी हो सकता है आपके लिए आप करेंगे, लेकिन अब असेसमेंट हो रही है आपका घर है उसका घर है। मैं बताता हूँ डॉक्टर को उनकी डिग्री यहाँ पर लगेगी अभी शाम में, और यहाँ पर भी उस शॉप पर चुके जाएगी जो कुछ। देखिए पता है पूरे सेक्टर को तुम हाँ में इस वक्त हालात पड़े, जो जहाँ पर डैमेज हुए सैलाब आए, जो देहात हो, टांग हो, स्वाद हो, वो अपर चतरार हो, लोअर चतरार हो, जीर हो, चार सत्ता देखिए इस वक्त मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर बिलावल साहब ने कुछ कहा हुआ है तो सबको पता है कि जो लोग ये नहीं जानते कि आपने आलू को केलों पे भेजना है कि दर्जनों पे भेजना है, जब जब इंसान को ये पता ना हो तो उसको क्या पता लगेगा कि कौम के साथ
सीन के हालात आप देख ले यार, खुदा की कसम वहाँ पर इंसान घास खा रहे हैं। मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगा, वहाँ पर जो लोगों के साथ हो रहा है ना, वो 50-50 रुपए लोगों के दे रहे हैं। वो वहाँ पर तो इंसानियत की कोई चीज़ है ही नहीं। आप उनके जो कर्ब एरबों की जायदाद है जो बाहर बनाई हुई है, किधर से आ गई? ये कोई इनके बाप के पैसे तो नहीं थे, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे है जो चुरा के वो वहाँ पे अपने नए महलात खरीद के लाए। देखे ये हमारे लीडर्स नहीं है, लीडर इमरान खान है जो कल 1-4 घंटे बैठ के 5-4 अरब से ज्यादा रकम लोगों ने इकट्ठी कर ली। लीडर ये होता है जब वो निकल आते हैं ना, इस वक्त वो ब्रांड बन चुके हैं, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है इस वक्त। आप देख ले आज आपका वज़ीर आज़म आएगा, आज स्वात गए मेरे ख्याल में, उसके बाद उसने कोहिस्तान जाना है। देखे लेकिन अभी तक एज ए वज़ीर आला की हैसियत से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मुझे कुछ पता नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है यहाँ पे, कुछ नहीं है। मतलब अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये सपोर्ट नहीं दे सकती तो कम से कम जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर NHA के रोड्स है, पेस्को के लाइंस है, जहाँ पर सुए गैस की डिसकनेक्टिविटी है, उसको तो कर लेना। कालाम का रोड तबाह है, आपके रोड की हालात देख ले। ये NHA के रोड्स है, जो आपका KKH है ये NHA का है, सिर्फ ये तो कर लेना, इन्हें वो उठा ले। ये तो नहीं है कि मैं इधर आके बस मैंने तस्वीर बना ली और बस यहाँ से मैं चला गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस दिन ये वाकया हुआ था, मैं और शौकत और खान साहब हम थे DA खान में, हम वहाँ पर मौजूद थे, मीडिया पर भी मौजूद है। हम टांगा और DA खान गए थे, खान साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे साथ आए, और वो मेरे साथ गए थे वहाँ पर। जब हमें पता चला, देखिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 हेलीज हैं, दोनों जब मौसम ख़राब है तो फ्लाई नहीं कर सकते। आपको पता है जब ये वाकया हो रहा था, मुझे तो बहुत लेट बाद में पता चला, तो हमारे हेलीकॉप्टर तो उसको रेस्क्यू नहीं करा सकते थे, वो तो ख़राब मौसम में जा ही नहीं सकते। जब मौसम ठीक हुआ, मेरा जो बड़ा हेली है वो आपको पता है कि 4 दिनों से वो ऑपरेशन में, सयाह निकाल रहे हैं, लोगों को राशन पहुंचा रहे, आज वो और हालिंग के लिए चला जाएगा, 3-4 दिन बाद वो आएगा कोहिस्तान में, जहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी हमने दोबारा शुरू करनी है। तो देखिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मैं तो हूँ इस इलाके का, मेरा ताल्लुक इस मट्टी से है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मेरी है, मैंने तो हर जगह पहुंचना है और पहुंच चुका हूँ सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, सबके सामने आवाम के दरमियान बैठ के मैंने बात की है, मैं कोई चुपता नहीं हूँ किसी से। अगर कोई क्रिटिसिज्म करे तो मैं उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, अगर वो पॉजिटिव करे। मुश्किल है तो मैं KP ब्रांच से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो अभी मेरे ख्याल 150 फैमिली का, 120 का, इन एडिशन जो है ये 300 फैमिलीज का जो मजीद है, हम सवात के एक लाबट यूनियन काउंसिल है उसमें मौजूद हैं और मुतासरीन भी यहाँ पर हैं। हम 150 NFIs दे रहे हैं। NFIs हम कहते हैं नॉन फूड आइटम्स, जिसके अंदर टेंट होता है, तार्पोलिन शीट्स होती है, स्टोव होता है, बर्तन होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो फौरी तौर पर सर छुपाने के काम आती है। तमाम हमें ये पता चला है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक हम नहीं पहुँच पा रहे, और वहाँ अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं, असेसमेंट हो रही है। जैसे जैसे असेसमेंट रिपोर्ट्स आएंगी, मैंने आपने हमारे वर्दी चेयरमैन जो KPK के हिलाल अहमर के, इनसे भी ये रिक्वेस्ट किया है कि गोडाउंस खाली करने पड़ते हैं, खाली कर दें, इधर कोई एक ऐसा बंदा ना रहे जो बगैर छत के हो, और फूड पहुंचाने की कोशिश करें। और माशाल्लाह इन्होंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया है, इज़ डूइंग वेल, और यहाँ के जो हमारे लोकल लोग हैं उनकी 20 साथ मोहब्बत शामिल है, बादशाह खान साहब हैं इनकी, तो इनके तआवुन के साथ और अवाम के तआवुन के साथ जो अगला रिहैबिलिटेशन का फेज़ है, जो घर टूटे हुए बनाने, उनमें भी हिलाल अहमर पेश होगा और पूरी मदद करेगा। आपको पता है सैलाब का मैग्नीट्यूड पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा। ये सैलाब माशरा में बहुत अल्लाह का शुक्र है, अगर यहाँ ये प्रोटेक्शन बन ना बनता तो माशरा सारा डूब जाता। हमने पूरी कोशिश की, कुछ 14 अरब रुपए लगे और ये बंद हमने बनाया सूबाई हुकूमत ने PTI की, और उसकी वजह से हमारे माशरा में जो 2010 में नुकसान हुआ था उसका 10% तकरीबन हुआ, 90% लोगों को नुकसान नहीं हुआ।
दूसरी जो बड़ी अच्छी बात है, हमारे 112, हमारा स्टाफ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने पहले दिन मेहनत की, लोगों को घरों से निकाला, उनको अवेयर किया कि शाम तक सैलाब आने लगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि 80-90% लोग अपना सामान निकाल गए और वो नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि अवेयरनेस की और घर घर लोग गए और लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद जो इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, हमने यहाँ पर लोगों को टेंट्स की ज़रूरत थी, फोम्स की ज़रूरत थी, गद्दी की ज़रूरत थी, बिस्तरों की ज़रूरत थी, काफ़ी कोशिश की गई, NGOs ने भी हेल्प की और लोगों ने भी, और वो भी प्रोवाइड किया गया। और उसके बाद अब हम इस कोशिश में लगे हैं। मैंने सारा दौरा किया कि जहाँ पर इस बंद में कोई फॉल्ट्स थे, कहीं गैप्स थे एक दो जगह, वो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर हम काम शुरू कर देंगे, वो फिल कर देंगे। जो डाइक्स या बंद था उसके अगर ऊपर क्रॉस किया पानी, उसको भी हम उसका भी ऊपर और ऊंचा करें कि आइंदा इसमें पानी ना हो। और साथ पटवारी और ऑफिसर फिरे, जिन घरों को नुकसान हुआ, क्रैक हुआ, छत गिरी है, उनके लिए फ़ंड का बंदोबस्त और लिस्टें बन रही है। और अगर किसी का ज़मीन थी, फसल थी, उसका भी सर्वे किया जा रहा है ताकि उनको भी मदद किया जाए। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह कल से हमारी लिस्टें बन रही है, जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ या गरीब लोग हैं, उनको हम राशन कल से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग इंसाफ करेंगे और जो हकदार है उसको अपना हक मिलेगा। तो हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी, हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं। लोगों को जो नुकसान पहुँचा, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनका नुकसान पूरा किया जाए।